गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है नवरात्रि का डे 2। अगर आपने डे 1 मिस कर दिया तो आप चैनल पर जाकर चेक करें, मैंने अपलोड कर दिया है। डे 2 पर देखते हैं प्रसाद में क्या बनाएंगे। तो मैंने शावर ले लिया है, पूजा की तैयारी करते हैं, उसके बाद बनाएंगे भोग। मैंने पूजा कर ली है, आज भगवान के भोग में बनाएंगे तुलसी की चाय और व्रत वाला मखाना। इसके बाद करेंगे लंच की तैयारी। आज मैं लंच में बनाने वाली हूँ वेट लॉस पराठा, जो आप व्रत में बहुत आसानी से खा सकते हैं। आप इसे पूरे 9 दिन तक भी ट्राई करेंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है और आपके वेट को भी रिड्यूस करेगा। तो चलिए इस हेल्दी और टेस्टी पराठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं व्रत वाली चटनी, जिसके लिए मैंने लिया फ्रेश नारियल, मूंगफली के दाने रोस्टेड हैं ये, अदरक, हरी मिर्च और नींबू। मिक्सी का जार लेते हैं, उसमें एक एक करके सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। अगर आपके पास फ्रेश नारियल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, आप मूंगफली के साथ भी ये चटनी बना सकते हैं। मूंगफली को मैंने कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर लिया था और उसके छिलके हटा दिए हैं। तो सारी चीज़ों को एक एक करके ऐड करते हैं। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करते हैं व्रत वाला नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। इसमें डालेंगे 1 बड़े नींबू का रस। तो मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है, इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। तो हमारी व्रत वाली चट्टी बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे सर्व करते हैं। आप इसे 1 दिन बना लें और 4 से 5 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, ख़राब भी नहीं होती है। आपको इसे फ्रिज में रखना होगा। तो इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने बीच में थोड़ा सा पानी और ऐड किया था। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बारी आती है टेस्टी और हेल्दी पराठा बनाने की, जिसे हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे के साथ। तो मैंने आलू को पहले से ही उबाल लिया था, आलू को मैंने उबाल कर छील कर उसे ग्रेट कर लिया है। सेम जार में मैंने थोड़ी सी चटनी छोड़ी हुई थी और रोस्टेड पीनट भी इसमें ऐड करते हैं। मैंने 5 चम्मच पीनट डाला है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। इसे हम आटे में ऐड करेंगे, इससे हमारे पराठे का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। ये पराठा इतना फटाफट बनता है, इसे बेलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट हम इसे मिनटों में बना लेंगे। तो एक परात लिए, जिसमें हम सिंघाड़े के आटे को ऐड करते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें उस हिसाब से ऐड करें। मैंने 4 बड़े चम्मच ले गया है और मैंने 5 उबले हुए आलू इसमें ऐड किए हैं। आलू को मैंने छील कर ग्रेट कर लिया है। गरम गरम आलू हो तो आप इसमें डायरेक्टली भी ऐड करके मिक्स कर सकते हैं, आसानी से मिक्स हो जाते हैं। तो चटनी में मैंने सब कुछ पहले से ही ऐड किया था, इसलिए इसमें हम ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करेंगे। मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा व्रत वाला नमक जाएगा। आप इस टाइम चाहें तो हरी मिर्च और हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने चटनी बनाई थी मूंगफली की, उसे इसमें ऐड करते हैं।
और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे हमें कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से पानी ऐड करेंगे। आलू में मॉइस्चर होता ही है और चटनी ऐड की है तो ये अपने आप ही काफ़ी हद तक गीला हो गया है। थोड़ा सा मैंने जार में पानी लेकर इसमें ऐड कर दिया है, तो फटाफट एक डो बना लेते हैं। डो हम सेमी सॉफ्ट रखेंगे, तो हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। हाथों पे थोड़ा सा घी लेते हैं और इसे एक लोई का शेप देते हैं, एक बॉल बना लेते हैं। अब जिस साइज़ की लोई लेंगे उस हिसाब से पराठा बना लें। मैं छोटे छोटे साइज़ के पराठे बना रही हूँ तो मैंने छोटा सा सेक्शन लिया है। मैंने एक पॉलीथिन लिया, उस पर भी मैंने घी लगा दिया है। इसे थोड़ा सा प्रेस करते हैं। मैंने 5 मिनट के अंदर सारे पराठे बना लिए थे। एक प्लेट लेते हैं और प्लेट की हेल्प से इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे और फटाफट ये पराठा बन जाता है। इसको अगर आप और पतला करना चाहें तो थोड़ा सा और प्रेस कर लें। तो चलिए, हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है। गैस पर मैंने एक पैन गरम कर लिया है, पराठे को फटाफट सेक लेते हैं। मैंने दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा घी लगाया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसकी पूड़ी भी बना सकते हैं, पूड़ी इसकी और भी टेस्टी बनती है, लेकिन हम इसे हेल्दी वे में बना रहे हैं तो हम इसका पराठा बना रहे हैं। आप इसे नॉन स्टिक बर्तन में या लोहे के तवे में किसी में भी बनाएंगे, ये चिपकता नहीं है। पराठा एक साइड से सिक गया है, इसे टर्न किया है, थोड़ा सा घी लगाया है। इसी तरीके से इसे दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं और घी लगा लेते हैं। ये खाने में इतना सॉफ्ट और क्रंची लगता है क्योंकि हमने इसमें मूंगफली ऐड की है, तो वो एक बहुत अच्छा क्रंच देती है। इसी तरीके से हम और भी पराठे बना लेते हैं। तो मैंने 2 पराठे बनाए हुए हैं। आपको आज का पराठा कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो हमारा लंच बिल्कुल तैयार हो गया है, भगवान का भोग लगाते हैं। मिलते हैं Day 3 पर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे।